दुश्मन गुस्ताखी कर बैठा हमारे देश की शान में, आ गया मैदान में, हाथ बढ़ाकर दोस्ती का छेड़ दी लड़ाई, अकारण ही भारत पर कर दी चढ़ाई। तब देश के बूढ़े और जवान, पंजाबी मराठे पठान, आ गए होश में तो हम भी भनभनाने लगे जोश में। सेना में भर्ती होने का हो आया चाव, आओ देखा न ताव, और पत्नी के सामने रख दिया प्रस्ताव। कहने लगी, हाय हाय क्या बोलते हो, अपने को सैनिक से तौलते हो, अरे बहादुरी ही दिखाना था तो शादी क्यों की, मेरी बर्बादी क्यों की, क्या घर में लड़ते लड़ते जी नहीं भरा, जो इरादा है बाहर लड़ने का, अरे क्या फायदा बीए तक पढ़ने का, लड़ाई में वो जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, और चले भी गए तो उनके लिए कोई नहीं रोता। जिनको लड़ना है लड़े, हमें नहीं लड़ना, अच्छा नहीं है किसी के बीच में पड़ना। मगर हमारा जोश जोर मार रहा था, कर्तव्य पुकार रहा था, हम बोले क्या कहती हो, नहीं मालूम देश पर संकट है कहां रहती हो, दुश्मन बारूद उगल रहा है, हिमालय जल रहा है, देश पर बिजली कौंध रही है, हैवानियत इंसानियत को रौंद रही है, शत्रु बात पर अड़े जाता है, देश पर अपने चढ़े जाता है, लगातार बढ़े जाता है, यहां तक आप पहुंचा तो क्या करोगी, यहां तक आप पहुंचा तो क्या करोगी, अरे फिर तो लड़ोगी, उसे वहीं रोकना अच्छा है। देखती नहीं जाग गया देश का बच्चा बच्चा है, वे बोली जानती हूं पर तुम बच्चे नहीं हो, वे बोली जानती हूं पर तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है, पीछे पांच बच्चे हैं, एक नारी है, घर में लड़ते हो तो क्या ये समझते हो कि फौज में लड़ना आसान है, इसका भी कुछ भान है, अरे मुंह चलाने और बंदूक चलाने में अंतर है जमीन आसमान का, फिर कुछ तो ख्याल करो आने वाले मेहमान का, फिर कुछ तो ख्याल करो आने वाले मेहमान का, दुश्मन पीछे लग गया तो भागते बनेगा, अरे बंदूक चलाई है कभी गोलियां दागते बनेगा, बंदूक बंदूक है गुले नहीं, लड़ाई लड़ाई है खेल नहीं, हमसे न रहा गया कह दिया जो भी कहा गया, मेरे पौरुष पर शंका करती हो, अरे मुझे क्या समझ रखा है, लोहे का चना हूं, तुमने समझाया मुनक्का है कि हर कोई चबा ले आसानी से दबा ले, अरे जानती हो स्कूल में एनसीसी ली थी और फायरिंग भी की थी, निशानेबाजी में इनाम पाया था और पेपरों में भी नाम आया था। वे बोली बस बस रहने दो देख ली तुम्हारी निशानेबाजी, बस बस रहने दो देख ली तुम्हारी निशानेबाजी, सुई में धागा डालने को कहा डालना दूर रहा सुई घुमा दी, सुई में धागा डालने को कहा डालना दूर रहा सुई घुमा दी, उस दिन लकड़ी फाड़ने को कहा तो कुल्हाड़ी पैर पर दे मारी थी, और उस दिन बेल्ट समझकर खूटी से छड़ी उतारी थी, अरे सीसी वीसी को गोली मारो, नहा धो दफ्तर पधारो, इतना तगड़ा तर्क सुनकर भला क्या बोलते, और न जाने क्या सुनना पड़ता अगर मुंह खोलते, हमने सोचा उलझना ठीक नहीं, पर स्वयं को कमजोर समझना भी ठीक नहीं, भोजन किया चल दिए दफ्तर को, तभी रेस्ट हाउस के सामने फौजी लिबास में खड़े देखा पड़ोसी अख्तर को, हमारा पौरुष जाग उठा देश के प्रति अनुराग उठा, फौजी कैंप में जा पहुंचे मगर माप तौल करने वाले अफसर को नहीं जचे, बोला कमर 46 है और सीना 42 है, वजन जरूरत से ज्यादा है, अरे नौजवान नहीं दादा है, हमने हाथ जोड़कर कहा सिपाही जी ये फौजी भर्ती है या मिस इंडिया का चुनाव है, ले लीजिए ना मुझे बड़ा चाव है, वो बोला बहस मत करो जी, लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं, हमें फौज ले जाना है कोई बारात नहीं, उसने आगे बढ़कर अफसर को दी रिपोर्ट, अफसर बहादुर था हमको ही किया सपोर्ट, बोला 7 दिन परेड करेगा तो शेप में आ जाएगा, फिर कुछ तो काम आएगा, कुछ तो काम आएगा, हमें एक और शत्रु को पीछे हटाना है, दूसरी ओर देश की फालतू आबादी घटाना है, चल निकला तो वार करेगा वरना दुश्मन की 10-5 गोलियां ही बेकार करेगा। दूसरे ही क्षण हम फौजी शान में थे, तीसरे दिन लड़ाई के मैदान में थे, गोलियां सनसना रही थी दनदना रही थी, हवाई जहाज उतर रहे थे चढ़ रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, हुक्म मिला दागो हम समझे भागो, हुक्म मिला दागो हम समझे भागो, तभी कहीं धमाका हुआ शायद बम फूटा, तभी कहीं धमाका हुआ शायद बम फूटा, हमारी नींद खुल गई और सपनों